दोस्तों मोटोरोला पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक जो है यहाँ पे काफ़ी तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च करते जा रहा है। अब दोस्तों मोटोरोला तैयार है एक और नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए जिसका नाम है मोटो G62 5G। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने जा रहा हूँ इसी स्मार्टफोन के बारे में कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा और इंडियन मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है वो भी इस वीडियो आपको बताऊंगा। तो बस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप दिख रहे हैं आपका अपना चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे मोटो G62 5G को जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको जो है 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे पैनल कौन सा होने वाला है इसमें कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आपको एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। अब दोनों मैं पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा अपना। अब देखिए यहाँ पे IPS LCD पैनल देती है तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे अच्छी बात है, और अगर OLED डिस्प्ले प्रोवाइड कर देती है तो काफी खतरनाक बात हो जाएगी, जो कि बहुत कम चांस है कि 120 हर्ट्ज देने के बाद OLED डिस्प्ले दे दे। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मोटोरोला जैसा काम कर रही है, 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले भी दे सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांस दोनों के कि दोनों आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कौन सा पैनल होगा इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। बट सामने की तरफ यहाँ पे आपको पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा दिया जाएगा। बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज़ किया जाएगा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज़ किया जाएगा 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, थर्ड कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का यूज़ करा गया है। अब बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, एंड यहाँ पे आपको 30W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब प्रोसेसर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों ये 5G चिपसेट है जिसके साथ ये 5G स्मार्टफोन भी बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे 400 सीरीज का चिपसेट है तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक वीक चिपसेट है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। स्नैपड्रैगन 600 सीरीज, स्नैपड्रैगन 700 सीरीज के चिपसेट को ये अच्छा खासा टक्कर देता है। अब यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, हाँ SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 8.59 mm के होने वाली है, इसका जो वेट है वो 184 ग्राम का होने वाला है। ये रही यहाँ पे पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी मोटो G62 5G की। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में पहले। तो दोस्तों देखिए यूरोपियन प्राइसिंग जो है बाहर लीक होकर आई है, इसमें बताई जाए कि इसकी प्राइसिंग जो यूरोपियन की लीक हुई है वो 19,100 रुपये बताई जा रही है, इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और अगर इन 19,100 रुपये इसकी प्राइसिंग आती है यूरोपियन कंट्रीज में तो आप मानकर चलिए कि इंडियन मार्केट में इसकी प्राइसिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 15-16 हज़ार के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और 15-16 हज़ार के आसपास ये स्मार्टफोन आता है और OLED डिस्प्ले बस प्रोवाइड कर देती है तो भाई काफ़ी खतरनाक स्मार्टफोन ये देखने को मिलेगा हमें मोटोरोला की तरफ से, और काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 14-15 हज़ार के जो भी मार्केट होंगे वो पूरे को डिसरप्ट करके रख देगा, बहुत अच्छा स्मार्टफोन हो जाएगा अगर 15 हज़ार की प्राइसिंग में इंडियन मार्केट में आ जाती है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों देखिए अभी तक इसका जो है यूरोपियन और लॉन्च डेट जो है वो भी कंफर्म नहीं हुआ, तो पहले ये स्मार्टफोन जो है यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्च होगा, तो एक बार ग्लोबली चला जाता है तो मानकर चलिए कि इसी महीने में किसी भी टाइम आपको जो है इसका यूरोपियन कंट्रीज मतलब यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्च इवेंट देखने को मिल जाएगा, ग्लोबली लॉन्च कर देगा, उसके बाद जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो इंडिया लॉन्च डेट के बारे में डायरेक्टली बात करूँ तो मानकर चलिए कि जून एंड तक आया तो आया, नहीं तो जुलाई में तो आप कन्फर्म रहे कि इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी जुलाई के फर्स्ट हाफ में ही आपको ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था मोटो G62 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।